फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइज, फाइनली फ्री टैबलेट वितरण को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं। जी हाँ गाइज, फ्री टैबलेट का वितरण इसी महीने के अंत तक लिस्ट हुई तैयार। जी हाँ गाइज, जो 6 सदस्यीय लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है, जो कि टैबलेट वितरण को लेकर। साथ ही जेम पोर्टल पर खरीदारी की प्रक्रिया भी तेज हो चुकी है और किन किन कोर्स के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल में जानेंगे कि लिस्ट जो 6 सदस्यीय कमेटी की लिस्ट बनाई गई है टैबलेट वितरण के लिए वो क्या है। साथ ही जेम पोर्टल पर खरीद शुरू हो गई है। साथ ही किन किन कोर्स के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे छात्र बोले सर मैं MBBS कर रहा हूँ, मैं BDS कर रहा हूँ, मैं BFarm कर रहा हूँ, मैं BTech कर रहा हूँ, मैं BSc, मैं ITI कर रहा हूँ, तो किन किन कोर्स के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। यार, जो लिस्ट तैयार हुई है, आप बोल सकते हो 6 सदस्यीय समिति जो गठित की गई है उनकी लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। पूरी मैं अपडेट आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है जिलाधिकारी द्वारा कि कैसे आपको टैबलेट का वितरण किया जाएगा, कौन कौन सी समिति, कौन कौन सी समितियों की सूची बनाई गई है इसको जानेंगे। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ऊपर इस माह के अंत तक बांटे जाएंगे स्मार्टफोन और टैबलेट, और इसमें किन किन कोर्स के छात्रों को लाभ मिलेगा ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। पहले चलिए जान लेते कौन सी सदस्यी बनाई गई है। देखिए, जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनी 6 सदस्यी समिति, जी हाँ गाइस, छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन के वितरण के लिए हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यहाँ पर देख सकते हो, चिन्हित शिक्षण संस्थानों की ओर से छात्रों की सूची समिति को उपलब्ध कराई जाएगी। टैबलेट व स्मार्टफोन जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे जाएंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए औद्योगिक विकास को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो आपका औद्योगिक विकास है उसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। तथा प्रत्येक ज़िले में, आप चाहे जौनपुर ज़िले में हो, चाहे बनारस में, चाहे कुशीनगर, चाहे बरेली, किसी भी ज़िले में हो, हर ज़िले में एक DM होगा। उस DM के अंडर में 6 लोगों की सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, जो कि छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाभ देगी। और ये खरीदारी जो होगी जेम पोर्टल पर होगी। यहाँ पर देख सकते हो, इसके साथ बोला गया जो नर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मैकेनिक है, कारपेंटर, प्लम्बर, सभी लोगों को और सेवा मित्रों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। अब ऊपर आप लोग देख सकते हो कि इस माह के अंत तक बांटे जाएंगे, मतलब नवंबर के लास्ट तक स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने की तैयारी पूरी तरीके से यूपी गवर्नमेंट की तरफ से तेज कर दी गई है। हर हाल में ये कोशिश की जा रही है कि सभी यूनिवर्सिटी छात्रों का डाटा जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दे। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया राज्य सरकार छात्र छात्राओं को नवंबर माह के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेगी। जैसा कि आज अभी 15 नवंबर भी नहीं हुआ है, आप लोग समझ सकते हो आज है 7 नवंबर, तो अभी 20 से 25 दिन का समय है। इस बीच तेज़ी चल रही, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सभी यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द डाटा उपलब्ध करा दे। अब देखिए, मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में जिन छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाने हैं उनकी सूची समयबद्ध तरीके से विभाग तैयार कर ले, ताकि नवंबर के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। दरअसल योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक से स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदने की मंजूरी मिल चुकी है, आपको पता भी होगा, और जिसपे 3000 करोड़ का खर्च लगेगा, जो कि जेम पोर्टल से खरीदारी शुरू भी हो चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि किन किन कोर्स के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। या JEE NEET या पॉलिटेक्निक या BTech कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मैं एक अमेजिंग सा एप्लीकेशन लाया हूँ, जी हाँ गाइस, जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप लोग 24x7 आवर्स अपने सवालों के आंसर पा सकते हो विद इन 60 सेकेंड। इसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, जिसमें आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पर चले जाना है और इस एप्लीकेशन को सर्च करके डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के इसको साइन अप कर लेना है। इसके बाद आपको अपने क्वेश्चन की फोटो लेनी है और यहाँ पर अपलोड करना है, जहाँ पर आप लोग विद इन 60 सेकेंड लाइव जुड़ जाओगे इंडिया के एक्सपर्ट के साथ और अपने सवालों के आंसर पा सकते हो। तो देरी किस बात की, बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस यार, देरी किस बात की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाओ एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो इस रेफरल कोड को आप लोग यूज कर सकते हो जो सामने दिख रहा है। बहुत सारे छात्र अभी भी कंफ्यूजन में बोल रहे हैं कि सर मैं BPharma सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मुझे लाभ मिलेगा? सर मैं ITI फर्स्ट ईयर में हूँ, क्या मुझे लाभ मिलेगा? सर मैं BAMS कर रहा हूँ, सर मैं BSc कर रहा हूँ। तो देखिए, इसमें साफ साफ बोला गया है कि UG के आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, यार देखो मेरी बात लास्ट बार सुन लो, UG में आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, मतलब स्नातक में कोई भी कोर्स कर रहे हो, BA, BSc, BCom,
ये बी एड डी एल एड कुछ भी कर रहे हो, या पीजी में कुछ भी कर रहे हो, एम फार्म कर रहे हो, एम टेक कर रहे हो, एम ए कर रहे हो, चाहे बी टेक कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा में भी कोई कोर्स हो आपका, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे डी फार्मा हो, चाहे बी एस सी नर्सिंग हो, चाहे आपका मतलब कोई भी कोर्स हो, सभी लोगों का इसका लाभ दिया जाएगा। साथ ही जो कौशल विकास से जुड़े हुए लाभार्थी छात्र छात्राएं हैं उनको भी दिया जाएगा, तो ये मत सोचिए। और हाँ, इसमें एक क्राइटेरिया ये है कि आप करेंट टाइम में स्टडी कर रहे होंगे तभी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर मैं एक साल पहले पास आउट हो चुका हूँ, इसी बार पास आउट होकर निकला हूँ तो क्या मुझे लाभ मिलेगा? नहीं, जो इस समय करेंट टाइम में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को टैबलेट का लाभ मिलेगा। मेरी बातों को समझ गए आप लोग? 12वीं पास को भी नहीं मिलेगा, ना तो ग्रेजुएशन कंप्लीट वालों को। जो इस समय ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब करेंट टाइम में आप स्टडी कर रहे हो तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। बाकी कब कैसे क्या कुछ अपडेट आती है छोटी बड़ी, आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करता जाऊंगा। आपको घबराने की बात नहीं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि अपडेट कहाँ मिलेगी, सर कोई फॉर्म भरवाया जाएगा तो कैसे पता चलेगा? भाई पता मत चलेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करोगे छोटी बड़ी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले वीडियो के थ्रू बताऊँगा कब क्या कैसे करना है, समझ गए? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना।